हेलो दोस्तों, मैं आज आप लोगों को ये बताऊंगा कि शुरुआत में जब आप फ्रेशर होते हैं और किसी साइट पर आपको काम करने का मौका मिलता है तो शुरुआत में लोगों को ये पता नहीं होता है कि कहाँ से मैं काम शुरू सीखना शुरू करूं। यानी कि क्योंकि साइट पर बहुत सारा काम चल रहा होता है, कहीं कॉन्क्रीटिंग हो रहा होता है, कहीं लेआउट हो रहा होता है, कई जगह पर क्वान्टिटी कैलकुलेशन करना पड़ता है, तो फ्रेशर्स को समझ में नहीं आता है कि यार मैं कहाँ से काम करना सीखना शुरू करूँ। तो दोस्तों, मैं आपका इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों, अगर आप किसी भी साइट पर जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको यूनिट कन्वर्जन, यानी कि 1 फीट में कितने इंच होते हैं, 1 मीटर में कितने mm होते हैं, और इन सब का कोरिलेशन आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। यानी इन चीज़ों का आप अपने घर पे अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जब आपको ये चीज़ सब कुछ सही से आ जाए तो दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ड्राइंग स्टडी। जब आप साइट पर जाएँ तो आप एक बार ड्राइंग स्टडी सीखना शुरू कर दें। यानी क्या, जो भी साइट पर अवेलेबल ड्राइंग है उसको देखिए, उसको स्टडी करने का कोशिश कीजिए। अपने सीनियर से पूछिए कि सर इस प्रॉब्लम को किस तरह सॉल्व करें, ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ये चीज़ बता दीजिए। ठीक है, जब आप थोड़ा बहुत ड्राइंग स्टडी करना सीखने लगें तो फिर नंबर आता है दोस्तों बिल्डिंग लेआउट की, क्योंकि बिल्डिंग लेआउट भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कंस्ट्रक्शन वर्क में। क्योंकि अगर आपको कोई कॉलम कास्टिंग करना है, कोई बीम कास्टिंग करना है, कुछ भी कास्टिंग करना है, फुटिंग कास्टिंग करना है, तो सबसे पहले उसका पोजीशन और उसका डायमेंशन मार्किंग करना जरूरी होता है जहाँ पर उसको कास्टिंग करना किया जाता है अकॉर्डिंग टू ड्राइंग। तो ये चीज़ को हम लेआउट कहते हैं। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, सबसे पहले हमने बताया आपको यूनिट कन्वर्जन आपको आना चाहिए, सेकंड नंबर में ड्राइंग स्टडी आप सीखना शुरू कर देंगे, फिर थर्ड में आप बिल्डिंग लेआउट भी सीखना शुरू कर देंगे। ये मैं मानता हूँ कि एक दिन में आपको पूरा बिल्डिंग लेआउट नहीं आ जाएगा, बट यहाँ से आप कंटिन्यू शुरू कर सकते हैं सीखना। इसके बाद जब आप बिल्डिंग लेआउट सीखना शुरू थोड़ा बहुत आपको आ जाए, फिर आप क्वांटिटी कैलकुलेशन पे ध्यान दे सकते हैं। यानी कि कहीं अगर कंस्ट्रक्शन चल रहा है, कोई फुटिंग कास्टिंग चल रहा है, तो उसमें जो मटेरियल यूज़ हो रहा है वो कितना क्वांटिटी लगेगा, उसमें कितना कंक्रीट लगेगा, कितना स्टील लगेगा, कितना एग्रीगेट लगेगा, कितना सीमेंट लगेगा, ये सब चीज़ आप कैलकुलेट करना सीखना शुरू कर सकते हैं। जब आपको लगे कि हाँ मैं भी ये सब चीज़ सीखना शुरू, मतलब ये चीज़ आप सीख रहे हैं, मतलब आप कुछ चीज़ सीख चुके हैं, फिर आप अपना ध्यान कंस्ट्रक्शन वर्क चेक लिस्ट पर दे सकते हैं। यानी कि अगर कोई कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो आपको वहाँ पर चेक करना है कि जो आपका फुटिंग है तो उसका क्या डायमेंशन है, वो अकॉर्डिंग टू ड्राइंग है या नहीं है। उसमें अगर शटरिंग लगा हुआ है तो वो प्रॉपर तरीके से लगा हुआ है या नहीं, उसमें कवर ब्लॉक सही तरीके से लगा हुआ है या नहीं, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो चेक लिस्ट के अंतर्गत आता है। ठीक है दोस्तों, जब आप ये चीज़ थोड़ा बहुत सीख जाएँ तो फिर नंबर आता है दोस्तों बार बेंडिंग शेड्यूल, यानी कि BBS, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए। यानी अगर आप कोई बिल्डिंग बना रहे हैं, इसमें फुटिंग होता है, कॉलम होता है, बीम होता है, स्लैब होता है, तो इनमें कितना बार यूज़ हो रहा है और जो भी बार लगेगा वो किस शेप का होगा और उसका अलग अलग शेप का क्या डायमेंशन होगा, ये सब चीज़ें हम लोग बार बेंडिंग शेड्यूल में निकालते हैं। तो दोस्तों, अगर आप बार बेंडिंग शेड्यूल सीख गए, इसके बाद नंबर आता है दोस्तों लेवलिंग का। चूँकि लेवलिंग भी आप जानते होंगे दो तरीके से करते हैं हम लोग, एक वाटर लेवल से करते हैं और दूसरा ऑटो लेवल से। तो जहाँ भी जैसे भी साइट है तो उस हिसाब से जो भी आपको लेवलिंग मेथड वहाँ पर हो रहा है उसको आप सीखने का कोशिश कीजिए। हो सकता है आपको वाटर लेवलिंग वहाँ पर मिले या फिर हो सकता है ऑटो लेवल मिले, तो कोशिश कीजिए कि अगर पॉसिबल हो तो दोनों चीज़ आप अच्छे तरीके से सीख सकें। दोस्तों, इसके बाद नंबर आता है जब आप ये सब चीज़ें सीख जाएँ तो फिर जो भी कंस्ट्रक्शन साइट पर जो भी काम हो रहा है उसका किस तरह से प्लानिंग करेंगे। यानी कि आपका जो प्रोजेक्ट है कंस्ट्रक्शन वर्क प्लानिंग, तो जो आपका प्रोजेक्ट है कितने टाइम में कंप्लीट हो सकता है, आपका हर एक प्रोजेक्ट का क्या होता है, एक डेडलाइन होता है। ठीक है, उसमें एक आपका एक खास नंबर का नंबर ऑफ लेबर होते हैं, तो उस लेबर के अकॉर्डिंग, उस डेडलाइन के अकॉर्डिंग वर्क को आपको प्लानिंग करना आना चाहिए और उसको उसके अकॉर्डिंग खत्म, यानी उसको कंप्लीट करना आपको आना चाहिए। तो दोस्तों, आज के लिए